नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका दे राष्ट्रपति बाइडेन नाल टेलीफोन ते कीती गलबात। दुवल्ली रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करन दे मुद्दे ते तसल्ली प्रगटाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एरोस्पेस खेतर विच आत्मनिर्भरता हासिल करन लई देश अंदर ही एरो इंजन दा निर्माण कीता जाणा जरूरी है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन वल्लों एमसीए 21 पोर्टल नाल संबंधित तकनीकी मुद्दों नूं दूर करन लई विशेष टीम गठित करन दा निर्देश। पंजाब सरकार दी सूबे विच हस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करन दी योजना। खेलो इंडिया विंटर खेडा जम्मू कश्मीर दे गुलमर्ग विच समाप्त। सोने दे 26 तमगिया समेत 76 तमगे जीत के जम्मू कश्मीर ने मारी बाजी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका दे राष्ट्रपति जोसफ आर बाइडेन नाल टेलीफोन ते निग्गी अते लाभदायक गलबात कीती। दोहां नेतावां ने भारत अमरीका व्यापक विश्व पद्धरी रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करन दे मुद्दे ते अपनी तसल्ली जाहर कीती अते कहा कि इस भाईवाली दे मजबूत होण नाल कई खेतरां विच मजबूती आई है। दोहां नेतावां ने एयर इंडिया अते बोइंग विचाले एक इतिहासिक समझौते दा ऐलान कीते जाण दा स्वागत कीता अते कहा कि इस समझौते नाल दोहां देशां विच रोजगार दे नवे मौके पैदा करन विच मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग अते होर अमरीकी कंपनियां नूं भारत विच शहरी हवाबाजी दे खेतर दे विस्तार सदका पैदा होए मौकियां दी वरतों करन दा सद्दा दिता। दोहां नेतावां ने हाल ही विच होई वाशिंगटन डीसी विच होई गंभीर अते उभरदी टैक्नोलॉजी ते पहलकदमी दी पहली बैठक दा स्वागत कीता। उन्हां पुलाड सप्लाई चेन अते रक्षा उत्पादां विच दुवल्ले सहयोग नूं मजबूत करन दी इच्छा प्रगटाई। भारत दी G20 दी मौजूदा प्रधानगी दौरान दोहां नेतावां ने इक दूजे दे संपर्क विच रहण ते सहमति भी जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा प्रगटाया कि भारत आने वाले सालों में हवाबाजी के खेतर में तीजे सब तो वड्डे विश्वव्यापी बाजार वजो उभरेगा। फ्रांस की कंपनी एयरबस तो 250 हवाई जहाज खरीदने बारे एयर इंडिया वालों समझौता किए जाने दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नाल एक वर्चुअल मीटिंग संबोधन करदिया प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हवाबाजी खेतर देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय हवाबाजी खेतर नूं अगले 15 सालों में 2000 तो वध हवाई जहाजा की लोड़ होगी। इस समझौते नूं इतिहासिक करार दिंदिया प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह फ्रांस अते भारत विचाले रणनीतिक भाईवाली की मजबूती नूं दर्शाउंदा है। उन्होंने कहा कि यह सौदा हवाई जहाजा दीआं वध दीआं मंगां नूं पूरा करन विच मदद करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि उन्होंने देश दीआं कंपनियां सहयोग के नवे खेतरां नूं विकसित करन लई पूरी तरह नाल समर्पित ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एरोस्पेस खेतर विच मुकम्मल तौर ते आत्मनिर्भरता हासिल करन लई एरो इंजन दा देश अंदर ही निर्माण कीता जाना समय दी मंग है। बंगलुरु विच DRDO वल्लों आयोजित एक सैमीनार विच उन्हां कहा कि उन्हां दा मंत्रालय इस संबंध विच काम कर रहा है। यह सैमीनार स्वदेशी एरो इंजन अते भविख विच एरोस्पेस तकनीक दे स्वदेशी विकास दे सिरलेख हेठ करवाया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अमृतकाल विच प्रवेश कर रहा है अते हुण ए यकीनी बनाना होवेगा कि भारतीय जहाज देश अंदर ही बने इंजना नाल उड्डन। उन्हां जरूरी हथियार प्रणालियां दे स्वदेशी डिजाइना अते विकास ते ध्यान देने दी लोड़ ते जोर दिता। उन्हां यकीन जताया कि DRDO जल्दी ही इस दिशा विच तेजी नाल काम करेगा अते अपनियां प्राप्तियां विच पृथ्वी आकाश अते अग्नि मिजाइलां नूं शामिल करेगा। रक्षा मंत्री ने हल्के लड़ाकू जहाज तेजस नूं एरोस्पेस उद्योग लई इक वड्डा बदलाव दस्या। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को एमसीए 21 पोर्टल नाल संबंधित तकनीकी मुद्दों ते लोकां दीआं शिकायतां नूं दूर करन लई एक विशेष टीम गठित करन दा निर्देश दित्ता है। उन्हां कहा कि इस पोर्टल ते लोकां दीआं शिकायतां नूं तरजीह दे आधार ते हल कीता जाणा चाहीदा है। उन्हां अधिकारियों नाल इस मुद्दे की समीक्षा कीती अते रोजाना आधार ते लोकां दीआं शिकायतां दी निगरानी करन अते उन्हां नूं दूर करन दे निर्देश दित्ते। जिक्रयोग है कि एमसीए 21 पोर्टल का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने अपने फार्म जमा करवाउण समय तकनीकी समस्यावां सामने आउण दी जानकारी दित्ती सी।
केंद्रीय खेती ते किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि साल 2022-23 विच अनाज दा उत्पादन 3,235 लाख टन तो वध होण दा अनुमान है। 2021-22 दे पिछले साल दे मुकाबले विच ए उत्पादन तकरीबन 79,38,000 टन वध होवेगा। खेती मंत्री ने कहा कि किसानां दी मेहनत, खेती विज्ञानियां दी खोज अते सरकार दीआं किसान पक्खी नीतियां सदका खेती सैक्टर विच तेजी नाल विकास हो रहा है। उन्हां उम्मीद जाहिर कीती कि आने वाले सालां विच मोटे अनाज दे उत्पादन विच होर वाधा होवेगा। जिक्रयोग है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 दे वरे नूं मिलेट्स दा अंतरराष्ट्रीय साल ऐलानिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज नूं पौष्टिक खुराक वजों श्री अन्न दा नां दित्ता है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्रांसपोर्ट विभाग अते NIC वल्लों लोकां नूं उन्हां दीआं गड्डियां दे फिटनेस सर्टिफिकेट ऑनलाइन मुहैया करवाउण लई विकसित कीती गई एक ऐप लॉन्च कीती। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप दे लॉन्च होण नाल लोकां नूं उन्हां दे घरां विच ही उन्हां दीआं गड्डियां दे फिटनेस सर्टिफिकेट मुहैया करवाए जा सकणगे अते इस नाल लोकां नूं वड्डी पद्धर ते राहत मिलेगी। उन्हां दस्सिया कि इस ऐप राही लोक फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करन लई ऑनलाइन फीस अदा कर सकदे ने अते RTO दे स्टाफ वल्लों दस्तावेज़ां दी पड़ताल अते MVI वल्लों गड्डियां दी जांच वी ऑनलाइन ही कीती जावेगी। पंजाब दे लोकां नूं विश्व पद्धरी सेहत सहूलतां मुहैया करवाउण दे उद्देश नाल सरकार ने सूबे विच हस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करन दा फैसला कीता है। पंजाब दी सेहत सकत्तर अलकनंदा दयाल ने इस मुख प्रोजेक्ट नूं लागू करन लई चंडीगढ़ विच सूबे दे सारे ही सरकारी मैडिकल कॉलेजां हस्पतालां दे प्रतिनिधां नाल विचार वटांदरा करन लई सद्दी गई मीटिंग दी प्रधानगी कीती अते कहा कि इस नाल सूबे दे सेहत खेत्र विच वड्डा सुधार आवेगा। उन्हां कहा कि इस प्रणाली दे शुरू होण नाल जिथे सेहत सेवावां नूं लै के अधिकारियां दी जवाबदेही तय हो सकेगी उथे ही सेहत सेवावां विच पारदर्शिता नूं यकीनी बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेटर चितेश्वर पुजारा नूं उन्हां वल्लों 100वां टैसट खेडे जाण तों पहलां शुभकामनावां दित्तियां। अपने एक ट्वीट सुनेहे विच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पुजारा अते उन्हां दी धर्मपत्नी पूजा नाल मिलके उन्हां नूं बहुत खुशी हुई है। चितेश्वर पुजारा अपने करियर दा 100वां टैसट खेडण जा रहे ने। पुजारा 17 फरवरी नूं दिल्ली दे अरुण जेतली स्टेडियम विच ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध अपना 100वां टैसट मैच खेडणगे। हुण तक खेडे गए 99 टैसट मैचां विच पुजारा ने 7021 दौड़ां बनाईआं ने जिन्हां विच 19 सैकड़े अते 34 अर्ध सैकड़े शामिल ने। खेलो इंडिया विंटर खेडां कल जम्मू कश्मीर दे गुलमर्ग विच समाप्त हो गईआं। इन्हां खेडां विच जम्मू कश्मीर ने सब तो वध सोने दे 26, चांदी अते कांसे दे 25-25 तमगे जित के पहली थां हासिल कीती। महाराष्ट्र सोने दे 13, चांदी दे 8 अते कांसे दे 6 तमगे जित के दूजी थां ते, हिमाचल प्रदेश सोने दे 10, चांदी दे 14 अते कांसे दे 7 तमगे जित के तीजी थां ते रिहा। भारतीय सेना ने इन्हां खेडां विच सोने अते चांदी दे 10-10 अते कांसे दे 9 तमगे हासिल कीते। केंद्रीय युवा मामलियां अते खेडां बारे राज मंत्री निसित प्रमाणिक ने जेतुआं नूं इनाम तकसीम कीते। इस मौके उन्हां कहा कि जम्मू कश्मीर खुशहाली दे नवे युग विच प्रवेश कर रहा है अते इत्थों दे खिडारी देश दा माण सन्मान वधा रहे ने। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक RNUDDK जलंधर दे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते वी देख सकते ने। बुलेटिन दे अखीर विच चुणवीआं खबरां एक वार फिर तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका दे राष्ट्रपति बाइडेन नाल टेलीफोन ते कीती गलबात। दुवल्ली रणनीतिक भाईवाली नूं होर मजबूत करन दे मुद्दे ते तसल्ली प्रगटाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एरोस्पेस खेतर विच आत्मनिर्भरता हासिल करन लई देश अंदर ही एरो इंजन दा निर्माण कीता जाना जरूरी है। केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमन वल्लों MCA 21 पोर्टल नाल संबंधित तकनीकी मुद्दियां नूं दूर करन लई विशेष टीम गठित करन दा निर्देश। पंजाब सरकार दी सूबे विच हस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करन दी योजना। खेलो इंडिया विंटर खेडां जम्मू कश्मीर दे गुलमर्ग विच समाप्त। सोने दे 26 तमगियां समेत 76 तमगे जित के जम्मू कश्मीर ने मारी बाजी। ते इस दे नाल ही खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। इजाजत दियो, नमस्कार।